यहाँ से शुरू करते हैं जनाब। ये देखिए, ये अभी भी डस्ट उड़ रही है, ठीक है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सरकार फ्रेंड जी, यू आर वाचिंग बबली ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, जो भी है, जैसा भी है, आपको से शेयर करने में फिर से आ गई हूँ अपनी डेली रूटीन, ठीक है जनाब। जो भी है, जैसे भी आपके सामने है, सब कुछ जनाब खुल्लम खुल्ला। तो चले दिखाती हूँ क्या हो रहा है घर में और क्या नहीं हो रहा, मेरे साथ रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू और आप देख रहे होंगे कि इसने क्या किया भाई जनाब। मैंने ऐसे किया हुआ ताकि नाक में ना धूल ना जाए, फिर वो जब धूल जाती है ना, फिर मेरे यहाँ पे बड़ा सा ना वो पता नहीं क्या होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, क्योंकि वो सूखी सूखी सी डस्ट है, वो बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो इस वजह से फिर मैंने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, मतलब कि सफाई कर रही हूँ घर की, ठीक है। तो ये वाला सीन है, बाकी जो भाई हैं वो लगे हुए हैं नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नीचे का पेंट वेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला बिस्तर मैंने अभी टेम्परेरी यहाँ पे रखा है, अभी अभी मून उठा है, और उसको भी नाश्ता बना के देती हूँ, बाकी हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवा के भेज दिया, खुद भी नाश्ता मैंने कर लिया। तो चले जनाब, फिर मिलती हूँ आपसे सफाई करने के बाद, क्योंकि ऊपर की सफाई अभी, नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदा है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है, कि कितना गंद हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो मेरे साथ रहिए, कहीं मजा आइएगा। ये वाला भी सारा कलर इसका कर दिया है यहाँ पे, ये देखें, ओ माय गॉड, मतलब क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, ये देखें, इतना घर बिखर चुका है ना। और ये मेरी कोको, ये मेरी लाडो रानी घूम रही है, और ये देखें, इन्होंने सारी फीलिंग्स वगैरह भी की हैं, ठीक है। अभी इस कमरे में कुछ सामान रख दिया है, आए चोट लग गई, ये सारा सामान इधर रख दिया, अभी इस कमरे को बिल्कुल नहीं छेड़ा इन्होंने, अभी पहले वो हो, यहाँ से भी सारा काम होना। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप ये देखिएगा कि सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, और सोचें इसको सफाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और ये सोच रही हूँ कि काम स्टार्ट कहाँ से होगा। और ये वाली जो टाइल है, ये वाली जब उतार रहे थे तो ये एकदम से कह रहे हैं हाथ में आ गई है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये वाली टूट चुकी है, और ये वाली शायद दोबारा यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है जनाब। ये है जनाब मेरा अभी किचन, ठीक है, और ये है जनाब घर। तो इस ग्लव से ना वो टच करने में बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, मतलब बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे में बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। और ये चीनी का डब्बा जो है ये बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने चाय बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है कि ये वाला सीन है, और जब कलर हो जाएगा फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी, ठीक है, सारा घर। और जैसे पता, जब काम होता है तो फिर गंद भी पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला सीन है, और सीन ऑन है, और बाकी मून गया हुआ ट्यूशन, और इसके बाबा हैं ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, घर की चीज़ें भी जैसे समेट रहे हैं, सही हो गया। और मैं ये रख लेती हूँ सर पे, इसलिए ताकि डस्ट वगैरह सर पे मेरे ज़्यादा ना आ जाए, वैसे भी बाल काफ़ी हो गए हैं डर्टी डर्टी, लेकिन चले खैर, चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने धो लिए हैं कपड़े, ठीक है, यहाँ पर मैंने कपड़े मशीन लगा ली थी, नीचे पेंट हो रहा है, और आज मैंने बनाया है वाइट वाला लोबिया, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने वाइट वाला लोबिया बनाया है, और साथ में मैंने मशीन लगा ली थी, मैंने कहा वो भाई अपना काम करते रहे, साथ साथ मैं अपने काम करती रहूँ, इस तरीके से सारा काम सिमट जाएगा जल्दी से। और मैं भी आपको नीचे भी दिखाती हूँ कि कहाँ तक रंग पहुँचा है, ठीक है, और कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिए। ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे जनाब खेल रहे हैं एक दूसरे से, ये लोग छत पे, और ओए गलत चला गया, चलो खैर कोई बात नहीं, चला गया तो। ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, यार ये देखें कितना प्यारा है सारा कुछ। तो अभी चले गए हैं, जो दरवाज़ा खोल देती हूँ, कोको को सुबह से ऊपर बंद किया हुआ था, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रही थी, काम नहीं करने दे रही थी। तो अब चले गए, जो भैया पेंट कर रहे थे वो जा चुके हैं, अभी वो दोबारा आएंगे, पता नहीं क्या आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, जैसा भी है, मुझे सुनने में आया कि वो अभी दोबारा आएंगे जी, थोड़ा बहुत टचअप करना है। तो खैर मैं बताती हूँ क्या करके गए, नीचे अंधेरा बहुत हो रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
ये सारा अभी इन्होंने एक वो लगाया जो अस्तर कहते हैं, प्लस्तर कहते हैं, वॉट एवर, वो लगाया है, उधर लगाया है, यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और अभी इसको इन्होंने करना है फ्रिज के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लाइट ऑन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये वाला है सीन, सीन है ऑन, ठीक है। वैसे ना मेरा दिल चाह रहा था, मैं बता बैक कैमरे से चाह रहा था कि इस वाली दीवार पे भी, इस वाली दीवार पे भी ना मतलब पूरा यहाँ से ना वाइट वेट करवा दें, बट फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, यहाँ पे वाइट कर देते हैं और यहाँ पे एक दीवार थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ताकि अभी तो हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, लेकिन जब गैस आती होती है और जब आएगी तो फिर यहाँ से इस स्टोव से ना यूँ करके ऊपर से यूँ करके धुएँ की दीवार काली नहीं होगी। तो इस वजह से अभी ये ओवरव्यू है। अभी इन्होंने रफ रफ सा किया है, अभी इसके ऊपर दूसरे कलर होंगे, ठीक है। अभी कमरे को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि कमरे को बिल्कुल नहीं छेड़ा इन्होंने, ठीक है। ये है मगर बस ये बर्तन वगैरह तो अंदर आपको पता नहीं थे। ये वाला सीन है, मैं आपको दिखाती हूँ लोबिया खाती हूँ मैं आपको। जनाब देखिए मेरा घर पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है, उल्टा पुल्टा घर। और ये इसमें से झांके हैं आप लोग, ठीक है। मैंने ना सफ़ेद लोबिया बनाया है, ढक्कन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बनाया है और ये बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। चलें जी, मोन ट्यूशन चला भी गया था और ट्यूशन से आ भी गया है, और अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पर एंड। जो भी था जैसे भी था मैंने आपका सब शेयर किया, अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वापस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय।